हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख रहे हैं पंकज मोटरसाइकिल। तो गाइस, बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहा है क्योंकि हमारे बेंगल में दुर्गा पूजा काली पूजा का सीजन चल रहा था, जिसलिए वर्कशॉप में बहुत काम का प्रेशर था, वीडियो बना नहीं सके। तो गाइस, आज से फिर से वीडियो आना चालू हो जाएगा, नया नया इन्फॉर्मेशन आप सबको मिलेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है गाड़ी का चेन लुक के ऊपर, क्योंकि आजकल जो ज़्यादातर गाड़ी आ रहा है वो चेन कवर के बिना आ रहा है। तो हम सब लोग जानते हैं जो बिना चेन कवर का गाड़ी आ रहा है उस चेन में ग्रीस नहीं यूज होता है, चेन लूप यूज होता है। तो बहुत सारा कंपनी ने चेन लूप निकाला हुआ है। तो दिक्कत ये है जो कौन सा लूप यूज करना चाहिए जिससे चेन का लॉन्गजिविटी भी बढ़े, चाहे गाड़ी भी स्मूथ चले। तो ये डाउट आज क्लियर करेंगे हम इस वीडियो में, साथ में बने रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये चेन लूप आज यूज करने वाले हैं, ये TVS कंपनी का ओरिजिनल चेन लूप है 2.0। तो कंपनी क्लेम कर रहा है ये चेन लूप जब यूज करेंगे, यूज करने के बाद जब गाड़ी चलाएंगे तो चेन से फैलेगा नहीं। ज्यादातर लूप क्या होता है, जैसे देख सकते हैं ये यहाँ एक R15 में, ये देखिए पूरा व्हील में जो है चेन लूप फैल गया और इससे गाड़ी भी गंदा हो जा रहा है और देखिए चेन भी ड्राई हो जाता है। तो हर 200-100 किलोमीटर में ही गाड़ी का चेन ड्राई हो जा रहा है। तो कंपनी, ये TVS कंपनी क्लेम कर रहा है कि ये नहीं होगा, ये फैलेगा नहीं, ये एकदम चेन से चिपक के रहेगा। तो चलिए देखते हैं अप्लाई करके क्या रिजल्ट आ रहा है। तो ये डोमिनर में आज हम अप्लाई करेंगे। तो पहले इस चेन को बढ़िया से क्लीन करना पड़ेगा, ये देख सकते हैं। तो आप चेन को क्लीनर से भी कर सकते हैं या ये केरोसिन से भी कर सकते हैं। तो हम ये चेन को केरोसिन से ही वॉश करेंगे, तो बढ़िया से वॉश कर लेंगे पहले। तो चलिए चेन को वॉश करते हैं। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया से चेन वॉश हो रहा है। तो ये जो ब्रश है, ये देखिए, ये जो ब्रश है आपको मार्केट में मिल जाएगा, टाइप का ब्रश से आप चेन को क्लीन कीजिए तो आपका चेन एकदम से बढ़िया से क्लीन होगा। तो आप क्लीनर भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे जिस तरह मैं यूज कर रहा हूँ केरोसिन भी यूज कर सकते हैं, तो आपका चेन एकदम बढ़िया से क्लीन हो जाएगा। तो ऐसे रगड़ के क्लीन करना है। तो चलिए ऐसे रगड़ने के बाद पानी से बढ़िया से चेन को वॉश करते हैं। तो गाइस, हमारा ब्रश से चेन को रगड़ना हो गया, अभी जो है पानी मार के बढ़िया से चेन को वॉश करना है। अभी एयर प्रेशर से हमको चेन को बढ़िया से ड्राई करना है, क्योंकि चेन में अगर पानी रहेगा तो लूप नहीं यूज कर सकेंगे, इसलिए ये एयर गन से पहले चेन को बढ़िया से ड्राई करेंगे। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं बहुत बढ़िया से चेन जो है क्लीन हो गया और ड्राई भी हो गया, धूल मिट्टी और पानी भी कुछ भी नहीं है, एकदम से ड्राई हो गया। तो चलिए अभी ये लूब यूज करते हैं चेन में। तो गाइस, ये हो रहा है हमारा चेन लूब यूज गाड़ी में। तो देख सकते हैं ये लूब का जो कलर है, कलर भी अलग है, इसका स्मेल भी अलग है। तो बढ़िया से एकदम से लूब करना है, तो ऊपर से भी मारेंगे और ये अंदर से भी मारेंगे। ये देखिए, बहुत बढ़िया से लूप हो गया है चेन में। तो अभी जो है गाड़ी को 5-10 मिनट रखेंगे, उसके बाद गाड़ी को चलाएंगे 2-4 किलोमीटर, देखेंगे जो कंपनी जो क्लेम कर रहा है वो होता है कि नहीं, जो ये व्हील में फैलता है कि नहीं। तो चलिए गाड़ी को पहले 2-4 मिनट रखते हैं, उसके बाद गाड़ी को चलाते हैं। तो गाड़ी से हमारा 5-10 मिनट टाइम हो गया, अभी देख सकते हैं पहले जो चेन लूप हम जब यूज किए थे तभी फॉर्म बेस में था, अभी देखिए पूरा लिक्विड हो गया, चेन में फैल गया। तो चलिए अभी गाड़ी को चलाते हैं, चला के देखते हैं 2-4 किलोमीटर जो ये यहाँ से फैल के चक्का में आता है कि नहीं। तो चलिए गाइस, गाड़ी को चलाते हैं। ये हमने कर दिया गाड़ी का चाबी ऑन और ये हो गया हमारा गाड़ी स्टार्ट। तो चलिए 2-4 किलोमीटर चलाते हैं गाड़ी को। गाड़ी को थोड़ा खींचेंगे, देखेंगे हाई स्पीड में भी वो लूप जो है फैलता कि नहीं चेन से। तो गाड़ी का जो चेन का जो कोई साउंड निकल के नहीं आ रहा है, एकदम स्मूथ चल रहा है गाड़ी। जो चेन का जो एक आवाज निकलता है वो कुछ भी नहीं है, एकदम से स्मूथ है। तो खींचने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रहा है।
एकदम से स्मूथ चल रहा है गाड़ी, चेन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 87-90 में भी गाड़ी भगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो अभी यहाँ से घूमेंगे वर्कशॉप की तरफ। रास्ता में भी बहुत जाम है, देख के बाप रे बाप। अभी गया था, अभी वो आदमी गया था। अरे काका, ओ काका, देखे चा पार हो बना तुम्हें पीछन दिख दे, तुम्हारे कुछ आखल तुम्हारे तो सामने दिख दे आखल हमी तुम्हें देखे पार हो बना गाड़ी टा एकोनी तुम्हारे एक एक्सीडेंट होता हमारे एक एक्सीडेंट होता। अरे देखो यार कैसे सब निकलता है साइकिल लेके, इससे तो बहुत बच के चलना है भाई, अभी तो खेल खत्म होता। चलिए बाल बाल बच गए, कोई बात नहीं। अभी आ गया हमारा वर्कशॉप। तो आज शुक्रवार है, हमारा वर्कशॉप बंद रहता है शुक्रवार को, तो वीडियो बनाने के लिए ही खोले हैं अभी। तो चलिए अभी देखते हैं चेन का क्या हालत है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस देख सकते हैं चेन का जो लूप है, कंपनी ने जैसा क्लेम किया था ऐसे ही है, एकदम से नहीं फैला। देखिए देखिए व्हील में भी नहीं गया। कंपनी ने जो क्लेम किया था एकदम सही है, दूसरा जो कंपनी का लूप है उसका उसका जैसा नहीं है, एकदम बढ़िया है। तो गाइस आप लोगों ने देखा ये टीवीएस चेन लूप का रिजल्ट आपके सामने है, हमने प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखाया है। तो आप चाहे तो इसको खरीद सकते हैं टीवीएस का वर्कशॉप से, ये आप वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा आप लोगों को। तो गाइस चलिए आज के लिए वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेफ ड्राइव सेफ लाइफ।